दोस्तों वैसे तो आपने YouTube पर बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज देखी होंगी जो कि दावे करती हैं आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने के साथ साथ, अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो चुकी है, पिंपल के डार्क स्पॉट रह गए हैं या फिर आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो उसे दूर करने के लिए। लेकिन उनमें से कुछ होम रेमेडीज ऐसी होती हैं जो कि वर्क करती हैं, लेकिन ज्यादातर होम रेमेडीज ऐसी होती हैं जो कि वर्क बिल्कुल भी नहीं करती है, और वो वीडियोज बनाई जाती है सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और व्यूज लाने के लिए। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आज जो होम रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपको 100% रिजल्ट देती है और आपकी स्किन को काफी हेल्दी और ग्लोइंग बना देती है। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो चुकी है, डार्क स्पॉट हो चुके हैं या आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम, तो वो आपकी स्किन प्रॉब्लम को डेफिनेटली दूर करती है। और उसी के साथ ये जो होम रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो होम रेमेडी अपने आप में ही एक यूनिक होम रेमेडी है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होने वाले हैं इस होम रेमेडी को बनाने के लिए, तो वो आपके किचन में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और बहुत ही सिंपल और सोबर सी होम रेमेडी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं नेचुरल पूनम, मैं हूँ पूनम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पे मैं किसी के भी अगेंस्ट वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहती हूँ। मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी की भी बेइज्जती करूँ या फिर किसी को भी बदनाम करूँ। लेकिन दोस्तों कुछ एक यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें उन्होंने ये दावा किया होता है कि सिर्फ एक ही दिन में आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं या फिर आपके फेस पे जो पिंपल के निशान हो गए होते हैं तो आप उन्हें एक दिन में ही खत्म कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं जानती हूँ, मुझे पिगमेंटेशन हुई थी और आप लोग भी शायद कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि जो पिगमेंटेशन होती है वो एक ही दिन में गायब नहीं हो सकती है। होम रेमेडीज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्क करती है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेती है अपना रिजल्ट दिखाने में। तो होम रेमेडी तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ही दिन में जो आपकी पिगमेंटेशन है उसे ठीक करने वाली है। यहाँ तक कि अगर हम किसी भी मेडिकेटेड क्रीम का इस्तेमाल भी करते हैं अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, तब भी हमें 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है अपनी पिगमेंटेशन को या फिर डार्क स्पॉट को ठीक करने के लिए। तो होम रेमेडी का नंबर तो उसके बाद ही आता है। आज जो मैं आप लोगों के साथ होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, यकीन मानिए अगर आप उसका इस्तेमाल लगभग 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगेगी। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, एक्ने है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है आपको स्किन से रिलेटेड, तो अगर आप इस होम रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं 10 से 15 दिनों के लिए, तो इस बीच आपको जो रिजल्ट है वो देखने में मिलेंगे और आपकी जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको कम होती हुई दिखेगी। तो दोस्तों इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना होगा सिंपली एक आलू, जो कि आपको आपके किचन में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आपको एक मीडियम साइज का आलू लेना होगा जो कि मैंने यहाँ पे लिया है। आपको इसे सबसे पहले छीलना होगा, इसके जो छिलके हैं उसे निकाल लेना होगा। तो यहाँ पे मैं आलू को सबसे पहले छील लूंगी, इसके जो छिलके होंगे इसे निकाल लूंगी। तो यहाँ पे मैंने बड़ा आलू ले लिया है, तो आप जो है इससे छोटा आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी यही था तो मैंने इसे ही ले लिया है। और दोस्तों उसके बाद आपने इस आलू को वॉश कर लेना है, जैसे कि मैंने इसे कर लिया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इसे हम ग्रेट करेंगे। तो चलिए अब जल्दी से हम इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लेना है, और आप जो है इसमें जो सबसे छोटा आता है इसमें अगर ग्रेट करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा ही आलू जो है वो ग्रेट किया है, कद्दूकस किया है, तो इतना ही हमारे लिए इनफ होगा। एंड नेक्स्ट जो प्रोसेस रहने वाला है इसका, चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट हमें लेनी है एक बाउल। तो दोस्तों हम इन आलू को जिन्हें हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है इसे हम ले लेंगे अपने हाथों में और इसे इस बाउल के ऊपर अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसका जितना भी रस होगा वो आराम से इस बाउल में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से हमने आलू का जो रस है वो बिल्कुल निकाल लिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप चाहे तो इसके लिए किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे हाथ से ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 1 से 1.5 चम्मच जो है आलू के रस का निकाल लिया है। एक बार की एप्लीकेशन के लिए हमें ये जो रस है वो काफी हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है कि ये जो हमारी होम रेमेडी रहने वाली है वो जो बहुत ही सिंपल एंड सोबर है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है आलू का रस और यहाँ पर जो हमारी होम रेमेडी है वो पूरी हो चुकी है। आप काफी हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि सिर्फ आलू के रस से ही यहाँ पर ऐसी होम रेमेडी बना रहे हैं जो कि हमारी स्किन को बहुत सारे बेनिफिट देने वाली है। लेकिन दोस्तों उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो सही मायने में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें इसकी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से करनी है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और मेरे द्वारा बताए इसका पालन नहीं करते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देने वाली है। तो आपने इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ आपको उसी तरह से इस होम रेमेडी को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने का तरीका वैसे देखा जाए तो काफी सिंपल है। सबसे पहले आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने लेनी है कॉटन बॉल और उसकी हेल्प से आपने इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। आपको इसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले करना है। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं उसके बाद आपने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश करके फिर से इसकी एप्लीकेशन कर लेनी है। जैसे ही डे का टाइम आता है तो तब भी आपको ऐसा ही करना है, अपने फेस को सिर्फ नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है। विदाउट एनी फेस वॉश, विदाउट एनी फेस सोप आपको किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है और उसी के साथ कोई भी क्रीम जो कि आप डेली रूटीन में अपनी फेस पर लगाते हैं तो आपको कोई सी भी क्रीम, फेस वॉश, सोप, मॉइस्चराइजर किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने सिर्फ यूज करना है यही आलू का रस एज ए फेस वॉश, क्लींजर एज ए फेस मॉइस्चराइजर। जब भी आप कहीं जाते हैं आपको लगता है आपके फेस पे क्रीम लगाने की जरूरत है, मॉइस्चराइजर की जरूरत है, तब भी इसी चीज को निकाल कर लगाना होगा। और आप देखेंगे कि जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे तो एज ए सनस्क्रीन भी ये जो आलू का रस है वो काम करेगा, आपके फेस पे कोई टैनिंग नहीं होगी। जब भी आप धूप में कहीं बाहर जाएंगे तो जो सूरज की तेज किरणें होती है उससे हमारे फेस पे काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है, हमारी जो स्किन है काफी गर्म हो जाती है और हमारी स्किन पे पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, हमारी स्किन टैन होने लगती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी इस होम रेमेडी का इस्तेमाल करने से। तो टोटली अगर मैं कहूँ तो इस होम रेमेडी को आपने अपने पूरे डे में इसी को शामिल करना है। रात को आपने इस आलू के रस का इस्तेमाल करना है, जैसे ही मॉर्निंग में आप उठते हैं तब भी आपने इसी रस को निकालना है। आप फ्रेश जो इसका रस है वो निकालेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अगर आप ऐसा चाहेंगे कि हम इसके रस को निकालकर स्टोर कर देंगे तो जैसे कि आप जानते हैं कि आलू को हम ज्यादा देर तक काट कर नहीं रख सकते हैं कि इसमें कुछ एक ऐसी चीजें पाई जाती है जिसके कारण जो ये आलू होता है वो काफी काला पड़ जाता है। तो वैसे ही अगर आप आलू के रस को निकाल कर रखेंगे ज्यादा टाइम तक तो ये जो आलू का रस होगा वो भी काला पड़ जाएगा और इसकी जो भी गुणवत्ता होगी वो खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगी कि आप जब भी इस होम रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आप फ्रेश जूस निकाल कर ही अपने फेस पर अप्लाई करें। तो दोस्तों सिंपली मैंने यहाँ पे ली है कॉटन और इसको करेंगे हम आलू के रस में डिप एंड इसे करेंगे अपने फेस पे अप्लाई। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने फेस पर इसे अप्लाई कर लिया है एंड अप्लाई करने के बाद आप इसे हल्के हाथों से मसाज भी कर सकते हैं ताकि ये जो आलू का रस है वो आपकी स्किन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और जो इसके बेनिफिट है वो आपको मिल सके। दोस्तों इसे लगाने के बाद आपने सिंपली जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपने उसमें इसको ड्राई होने देना है। ऐसा नहीं करना है कि इसे लगाकर आप धूप में चले जाएं इसे सुखाने के लिए या फिर आप फैन चला दें ताकि ये जल्दी से सूख जाए, तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल नाइट में कर रहे हैं तो आप एक बार की एप्लीकेशन के बाद उसे ड्राई होने के बाद इसे फिर से अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर। तो कम से कम आप 2 या 3 बार इसे अप्लाई कर सकते हैं ड्राई होने के बाद ताकि इसके जो ज्यादा अच्छे रिजल्ट है वो आपको मिल सके। लेकिन जैसे अगर मैं डे की बात करूँ तो डे में अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप एक बार अप्लाई करेंगे उसके बाद शायद आपको ऐसा लग सकता है कि हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो चुकी है या कुछ आपको ड्राई सा फील हो सकता है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि इसे ड्राई होने के बाद नॉर्मल फेस टॉवल ले लेना है और उससे आपने इसको थोड़ा सा झाड़ देना है। जैसे कि आलू में स्टार्च पाया जाता है तो वो हमारे फेस के ऊपर व्हाइट सी लेयर बना देता है, आप उस लेयर को टॉवल से हटा दें तो इससे आपको जो फेस होगा वो नेचुरली ग्लो करने लगेगा, आपको किसी भी क्रीम या मॉइस्चराइजर या फेस वॉश लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। उसी के साथ जैसा कि अगर आप ऑफिस गोइंग है या फिर आप कॉलेज गोइंग है, आप कॉलेज जाते हैं ऑफिस जाते हैं तो आप सिंपली इसे 1 हफ्ते तक ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करें
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक हफ्ते तक सिर्फ आपको इसी चीज का इस्तेमाल करना है और किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम एक हफ्ते तक आप ऐसा रिस्क तो ले ही सकते हैं अपनी स्किन को ग्लोइंग एंड हेल्दी बनाने के लिए। उसके बाद अगर आप चाहे तो आप दिन में एक आध बार किसी भी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल वाटर से ही अपने फेस को वॉश करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आप किसी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कहीं जाना या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाना, तो आप दिन में एक बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और नाइट में आपको इसका इस्तेमाल करना ही है। आप देखेंगे जो इसका रिजल्ट है वो कितना मैजिकल होता है और कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है। भले ही आप महंगे से महंगे फेस वॉश, महंगे से महंगी क्रीम्स, मॉइस्चराइजर या फिर जितने भी हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं जो कि दावा करते हैं हमारी स्किन टोन को लाइट ब्राइट करने का, तो ये उससे भी कहीं ज्यादा आपको इफेक्ट देने वाला है। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा और उसी के साथ इसका जो फीडबैक है वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जो आई होप आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और उसी के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।